पिछले महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कार्यवाही की थी, जिसके बाद बैंक की सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम ऐप के नाम एक जैसे हैं, तो लोगों में इस बारे में काफी अस्पष्टता थी। उपयोगकर्ताओं को यह भ्रम है कि कौन सी सेवाएं चलेंगी और कौन सी नहीं। आरबीआई की तय डेडलाइन के अनुसार 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाएं नहीं मिलेंगी। पेटीएम ने अपनी सभी सेवाओं को लेकर एक जरूरी पेज लाइव किया है। यह पेज पेटीएम ऐप पर और उनके वेब वर्जन दोनों पर उपलब्ध है। आइए जानते हैं 15 मार्च के बाद भी पेटीएम की कौन कौन सी सेवाएं जारी रहेगी। रिचार्ज और बिल पेमेंट कंपनी ने स्पष्ट किया है कि आप पहले की तरह ही पेटीएम ऐप की मदद से बिल पेमेंट और फोन रिचार्ज कर सकेंगे। ये सेवा पहले की तरह ही काम करती रहेंगी। इसके अलावा आप पहले की तरह इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके मूवी टिकट्स और अपने ट्रेवल टिकट्स बुक कर पाएंगे।